वी गेट स्टक अप. और ये जो मेंटल ब्लॉक्स होते हैं वही हमारा सिर दर्द बनता है, शरीर का दर्द बनता है, पेन्स, पेन्स ऑफ माय बॉडी, पेन्स ऑफ माय माइंड, पेन्स ऑफ माय रिलेशनशिप एंड पेन्स ऑफ फिनेंस. जो आदमी शरीर से दर्दनाक है, मन से दर्दनाक है, संबंधों से दर्दनाक है, वो खाक अपना कुछ करेगा? वो खुद के लिए भी उपयोगी नहीं है, दूसरे को क्या उपयोगी होगा? सो यू वॉन्ट टू बी लाइक दिस और यू वॉन्ट टू चेंज वॉट एवर यू आर? वॉट इज दिस? वाई हैव यू कम हियर? टू फुलफिल दैट रूटीन? चलो वहाँ, यहाँ तो एसी है तो यहाँ बैठने में कोई हर्ज नहीं है. दूसरा, जाने से थोड़ा मजा आता है, पता नहीं क्यों आता है तो मजा सब भाता है. और दूसरी बात, समझ में आता है जो कुछ भी चलता है वो समझ में आता है. इसलिए आए हैं, बोले इसलिए आए हैं ना? हाँ, सब कुछ करेंगे. बेसिकली समझ में आना, खाली यहाँ तक नहीं जाना है हमको. समझना नहीं, समझना तो है लेकिन समझ के इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना है. द प्रोसेस इज, वी आर हियर टू सेलिब्रेट अवर लाइफ. संवत्सरी मीन्स वॉट? संवत्सरी मीन्स सबके चेहरे, दुखी चेहरे देखना भूखे रहकर, एक दूसरे को पूछना साता मा छोने. हाँ, वो बोलने में भी बेचारे को, क्योंकि वो भी खुद उपवास किया है तो वो अपना वो किया हुआ उपवास दूसरे को ट्रांसफर करता है, मेंटल ट्रांसफर ऑफ उपवास. साता मा छोने, वो सुन के ही उसको लगता है अभी मेरी साता चली गई जो थी वो भी. सो हियर देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स. Once you enter this environment, you start feeling something very wonderful, beautiful, without reason. Are you feeling so? If it is so, let us celebrate. It is a wonderful day. 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 कितने लोग को भरोसा नहीं है, it is a wonderful day, because they are not like doing like this. यहाँ के How can it be wonderful, man? How can it be wonderful? It is a wonderful day. If you decide, it will be wonderful. God can help you. He will not make it wonderful. We have to make it wonderful. या हम प्रतिक्रमण करने आए हैं उसका मतलब हम उनकी ब्लेसिंग लेने आए हैं. और पूरा साल मजा करना है कि नहीं, बोलो? हाँ, करना है कि नहीं? अरे यहाँ की ये यंग लड़कियां नहीं बोल रही है, करना है कि नहीं? अरे अभी भी आवाज नहीं आ रही है. अरे यहां मम्मी कुछ नहीं बोलेगी, डोंट वरी, करना है कि नहीं? तो चलो, लेट सेलिब्रेट. इट इज अ वंडरफुल डे. आई विल एंजॉय, आई विल स्माइल, आई विल ऑलवेज स्माइल. सो दिस प्रतिक्रमण इज टू स्माइल ऑलवेज. ये आपने डिसाइड किया, दैट मीन्स इसी का नाम है सामायिक. हो गई सामायिक, हाईटेक सामायिक. यस, दिस इज सामायिक मैन. द वन, द मोमेंट यू डिसाइड आई विल एंजॉय, आई विल स्माइल, दैट इज एग्जैक्टली सामायिक. कितना आसान हो गया, एक भी सूत्र आता नहीं है फिर भी सामायिक हो. नो वॉट्स ऑप्शन वॉट सो एवर. हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम इस सारे सृष्टि के परिवार के सदस्य है. जैसे हम अपने घर के सदस्य है तो घर के नियम का पालन करना पड़ेगा. एम आई राइट? तो ही सिस्टम बनी रहेगी ना घर में. हाँ, हम कोई ऑफिस या दफ्तर में जाते हैं तो हमको उनकी सिस्टम पालन करना पड़ेगा. घर की सिस्टम ऑफिस में चलेगी नहीं. अभी हम भारत देश में रहते हैं तो हमको भारत देश का जो नियम है उसको लागू करना पड़ेगा, कि अमेरिका का करेंगे कि जापान का करेंगे. समझ में आ रहा है?
सो इसलिए भगवान ने कहा तू जहां खड़ा है देश काल, तू जिस समय में है और उस समय और उस काल के मुताबिक ये सारी सृष्टि जैसे चल रही है, ये सबसे पहले तो तेरा विजन है ना, इसमें से ऐसा कर दे 360 डिग्रीज। आजकल डिजिटल वर्ल्ड में अंदर 360 डिग्रीज एक बड़ा मंत्र बन गया है, बराबर है, एम आई राइट? हाँ, 360 डिग्रीज। टीवी भी अभी 360 डिग्रीज आएगा, सब कुछ 360 डिग्रीज, क्योंकि और ये चीज भगवान ने अनेकांत वाद के नाम से 360 डिग्रीज, वॉट एवर यू सी दिस वर्ल्ड इट हैज टू बी द डायमेंशनली 360 डिग्रीज। डोंट सी फ्रॉम योर व्यू पॉइंट, डोंट सी फ्रॉम टू अदर व्यू पॉइंट्स, यू सी 360 डिग्रीज, एक्सपांड योर डायमेंशंस। अनलेस यू मेक इट 360 डिग्रीज यू विल नॉट रीच टू रियल सोल्यूशन। समझ में आ रहा है सबको? आज यंगस्टर इसने बैठे हमको बहुत आनंद हो रहा है कि दे आर इन सर्च, दे वॉन्ट समथिंग। सबको ये भावना है कि परमात्मा महावीर के बातों में जो भी बता रहे हैं बहुत दम है और हमारे जीवन में बहुत उपयुक्त है, ये भी पता है, ये विश्वास है, आस्था है, मान्यता है, अभी उसको रूपांतरित करके एक्शन में लाना है। समझ में आया? तो योग तो हो गया, योग कैसे हुआ? आपने आप आए यहां पर, योग हो गया। योग के बगैर आप यहां नहीं आ सकते। आपको यह लगा कि नहीं यहां ऐसे पर्युषण महापर्व में यहां आना चाहिए और आएंगे तो कुछ ना कुछ भलाई होगा, और बाकी अपने बाप का जाता है क्या? है? सब व्यवस्था है, आना जाना खाना पीना ये सब भगवान की असीम असीम कृपा है, है? अपना जाता है क्या? चलो चल के आते हैं, सुन के आते हैं, कुछ ना कुछ तो पल्ले पड़ेगा। हाँ, आज पल्ले नहीं पड़ना है, आज एक्शन में लाना है। सो आर यू ऑल रेडी? यस। मुझे इस सृष्टि के नियम, कुदरत के कानून के अनुसार मुझे अपने आप को अलाइन करना है। एक बात मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, बहुत सिंपल उदाहरण है। एक आदमी स्विमिंग जानता है, एक इंसान स्विमिंग जानता है, उसने दरिये में डुबकी लगा दी, बराबर है, और तय किया कि मैं, और उसको वो बोलता है, बड़ा उसको गर्व है कि मुझे स्विमिंग आता है, और उसको दरिये के भीतर बीच में 50 माइल दूर फेंक दिया, चल भाई तुझे स्विमिंग आता है आ जाना नाके पे, किनारे पे आ जाना, तुझे स्विमिंग आ रहा है ना, यू नो द आर्ट ऑफ लिविंग इन दैट सी, है, सो आई एम थ्रोइंग यू डाउन इन दैट सी, नाउ कम टू किनारा, आएगा क्या? मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्यों इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं? नहीं आएगा। अरे आपने उसको गिरा दिया बेचारे को, है? 50 माइल का रास्ता तय करना खाने का काम है क्या? है? कितनी मेहनत मशक्कत और प्रैक्टिस चाहिए, अभ्यास चाहिए उतना, और जितना दरिया जितना सागर जितना गहरा होता है ना उतना श्रम ज्यादा लगता है। डेप्थ जितनी होती है पानी की, आप स्विमिंग पूल में देखना, 3 फुट वाले स्विमिंग पूल में तैरना ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, है? जब 12 फुट का डेप्थ होगा ना उसमें तैर के देखना कितने लोग को स्विमिंग आता है यहाँ, ये बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं? है? अभी 12 फुट से 36 फुट में जाओ फिर पता करो, और फिर 36 फुट में से 360 फुट में जाओ फिर तैर के देखो, 36 फुट में आप 10 फुट तैरे तो यहाँ 3 फुट में हवा टाइट, अभी वो किनारे पे कैसे पहुंचेगा? जानता है स्विमिंग लेकिन कर पाया क्या? हार गया ना। हम यही काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग दिस, जस्ट दिस। अब मैं दूसरी, अब भगवान बता रहे हैं ये क्यों हार गया, क्योंकि उसने पानी का गुण नहीं समझा, वो अपने आप को होशियार समझने लगा, मेरे को स्विमिंग आता है, मैं स्विमिंग कर सकता हूं, मैं ओलंपिक चैंपियन हूं। अरे ओलंपिक चैंपियन को भी 50 माइल के भीतर डाल दो, नहीं पहुंच पाएगा वो, सालों साल तक वो मर जाएगा वहां पर। यस, नसीब अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं कोई बचा लेगा या पहुंच जाएगा दूसरे हिसाब से, नॉट बाय स्विमिंग, इफ अनलेस एंड अंटिल ही हैज प्रैक्टिस
आपको पता है जब ऐसी बड़े लंबे लंबी दौड़ की स्विमिंग करनी होती है तो दो दो साल, तीन तीन साल, चार चार साल प्रैक्टिस करनी, अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके वो तय होता है रास्ता. एम आई राइट? हाँ. और हम यहां एक उपवास दे सब कुछ हो गया है. तो वी हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाट इज व्हाट. तो तप क्या है प्रोसेस? भगवान हमें ये क्यों बता रहे तप की बात, कि तप यानी हमको एक पुरानी आदत लग चुकी है, हमारे पुराने संस्कार है, पुरानी आदतें. देखो ये पर्युषण का पर्व का गोल क्या है? परिवर्तन. ये महोत्सव है. दिस इज द सेलिब्रेशन ऑफ परिवर्तन. परिवर्तन ऑफ व्हाट? परिवर्तन ऑफ व्हाट? तो ये छह चीज है परिवर्तन. स्टार्ट विथ एनीथिंग. ये साइकिल है, सर्कल है. आप किसी से भी शुरू करो, सर्कल में कहीं से भी शुरू करो, आप उस पे वापस आने वाले हो. अभी सर्कल में समझो हम यहां से शुरू करते हैं. विचार का परिवर्तन कहां से शुरू करते हैं? विचारों का परिवर्तन. आज परमात्मा ने बताया मुझे नहीं होना परेशान, ये विचार हमने इंस्टॉल किया. नाउ आफ्टर इंस्टॉलिंग चेक इट आउट कि इज इट यूजफुल फॉर मी. क्या ये वाकई मुझे यूजफुल है? ये जो किसी ने दिया वो बाहर वाले ने दिया, अभी मेरे लिए वो यूजफुल है कि नहीं मुझे फाइंड आउट करना है. बराबर कि नहीं? ये भगवान का मंत्र है, मेरे घर का नहीं है, पंकज भाई का कुछ नहीं है. यहां पर जो भी चलता है वो परमात्मा की कृपा से आता है और निकलता है. यहां जो भी बैठे हैं आज सबको जवाब मिलेगा. आप पूछ सके, बोल सके या ना बोल सके, जवाब आज लेकर ही जाना है. फुर्सत में हो ना? हाँ, आज फुर्सत लेके. फुर्सत दिन है, रविवार यानी फुर्सत का दिन. भगवान ने भी क्या कोइंसिडेंस कि रविवार और तप दोनों का मिलाप कर दिया, कल्याण हो जाएगा आज. हाँ, तो तप इज द प्रोसेस ऑफ अलाइनमेंट विथ लॉ ऑफ नेचर. जिया भयानम नमो